नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, इसका नाम है मनोज गुप्ता लाइफस्टाइल ब्लॉग। और इस समय मैं खड़ा हूं शिव मंदिर दुहाई में। पीछे आप देख सकते हैं शिव मंदिर, ये दुहाई में स्थित है। और यहां से मैं चलती है बस, जो कि है श्री लक्ष्मी नारायण मित्र मंडल द्वारा संचालित। और बस आपको दिखा दूँ, सामने ही है जो खाटू श्याम जी के लिए बस आती है गाजियाबाद से। तो बस आ चुकी है हमारी और यात्रियों का इंतजार है। यात्री आने वाले हैं, कुछ यात्री आ चुके हैं जो बस के अंदर बैठ गए हैं और कुछ अभी आने वाले हैं। और बस हमारी चलती है, हर महीने की बस है ये जो खाटू श्याम जी के लिए चलती है। तो आप यात्रा की टिकट बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मार्च में होने वाली है यात्रा अयोध्या श्री राम मंदिर के लिए। अगर आप जाना चाहते हैं दोहाई गाजियाबाद से श्री राम मंदिर अयोध्या के लिए और अच्छी यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। मार्च में संभावित है यात्रा, यात्रा की डेट अभी आई नहीं है, जैसे ही आएगी आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दिया जाएगा। तो बने रहिए, इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी, खाटू श्याम जी के दर्शन भी कराए जाएंगे। और आप बने रहिए हमारे चैनल पर। तो टिकट बुक करानी है तो टिकट बुक कराने के लिए आपको यहाँ पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करके अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। आगे आने वाली यात्राओं के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में जानकारी मिलती रहेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पे आप ज्वाइन होकर आपको हर महीने की यात्रा की जानकारी एडवांस में मिलती रहेगी। तो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं अनिल जी के, अनिल और कृष्ण भाई के और दीपांशु भाई के। तो तीनों नंबर पर किसी पर भी आप कॉल करके अपनी टिकट बुक करा सकते हैं, अगर आप खाटू श्याम जी जाना चाहते हैं तो भी, और अगर अयोध्या राम मंदिर जाना चाहते हैं तो भी, आप इन्हीं नंबर पर कॉल करके अपनी टिकट बुक कराएँ। तो अब चलते हैं बस के अंदर, बस के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, राधे राधे जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। बस चलने का समय हो गया, खाटू श्याम जी चलेंगे, राधे राधे जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम भाई, ठीक है, जय श्री श्याम। तो बस चल चुकी है और अगर आपको भी यात्रा करनी है तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली यात्रा अयोध्या के लिए होगी, ये खाटू श्याम जी के लिए, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय सर भगवान की, जय राजा रानी सरकार की, जय अपने अपने माता पिता की, जय अपने अपने गुरु महाराज की, जय जय कर वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय कर वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय कर वीर बजरंगे, हर
हर हर महादेव, जय शंकर भगवान की जय। मैं एक बोल रहा हूँ, तुम 50 बोल रहे हो। राजा सभी को चंदन का तिलक। हो रहा है लड्डू का वितरण। कृष्णा भाई अपनी सेवा देते हुए तो रास्ते के बीच में लड्डू का वितरण भी होता है बस में, फिर आगे फ्रूटी और मूंग दाल इसका भी वितरण होगा, दिखाएंगे आपको। तो मिल चुका है हमें भी लड्डू, करते हैं प्रसाद को ग्रहण। अभी बस में हो रहा है मूंग दाल का वितरण और फ्रूटी का वितरण। कृष्णा भाई अपनी सेवा देते हुए। तो बस में होती है मूंग दाल और फ्रूटी का वितरण, उससे पहले हुआ था लड्डू का वितरण। अभी अपनी सेवा देते हुए आ गया और इसी तरह सेठ व्यापार में फिर उलझ गया। एक दिन रात को सेठ सोया तो उसके नींदों में उसे ऐसा आभास हुआ कि उसे कोई नहीं एक सौदागर आया है और मुझसे सौदा करके चला गया। आज तू अपने घर में अपने व्यापार में खूब खुश है, तू वहीं पर खुश रहे। और ऐसा कहकर वो आवाज बंद हो गई। मिल चुकी है फ्रूटी और मूंग दाल हमको भी, अब करते हैं इसे ग्रहण, खाते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। तो सफ़र बहुत आनंदमय चल रहा है इस समय श्याम बाबा के भजनों के साथ, आनंद ही आनंद। सभी रोटी और मूंग दाल का सेवन करते हुए। दिन है 2 फरवरी का और हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के लिए। अगर आपको लगता है कि फरवरी के महीने में कोहरा नहीं होगा तो कोहरा आप देख लो। टोल टैक्स आगे है जो कि दिखाई भी नहीं दे रहा यहाँ से, और वेस्टर्न पेरिफेरल का ही टोल टैक्स है, शायद एग्जिट वाला होगा इसमें जहाँ से हमें उतरना है। एग्जिट वाला तो अभी एग्जिट वाला है और कोहरा बहुत जानदार है। अब यहाँ चल रहा है फोटो सेशन थोड़ा सा, कुछ नहीं दिख रहा, बस ये देखो कितना कह रहा है कोहरा। यहाँ फोटो खींचते हुए तो कोहरा बहुत है, स्क्रीन पे क्या हो गया, टूट रहा है, टूटा हुआ है। तो मैं बता दूं कि भैया बहुत तगड़ा कोहरा है इस समय। हेलो भैया, तो यही भैया जो गाड़ी को चला रहे हैं इस समय। तो भैया कोई दिक्कत तो नहीं हो रही चलाने में गाड़ी को? कोई दिक्कत नहीं। नाम क्या आपका? सुभाष जी। सुभाष आगे मैनीवाल, यही चला रहे हैं भैया। तो ये कोहरा अभी मिला है, बहुत पहले से मिल रहा है, पहले से है ना? तो वहां पे कोहरा नहीं था गाजियाबाद में जब हम चले थे, यहाँ पे। ये चलते हैं आगे। 15-20 मिनट पहले ही हम यहाँ रुके हैं होटल राव पे कुछ खाने पीने के लिए। मैं तो खा चुका हूँ तो सोचा बता दूं कि हाँ इस समय भी 11:52 पे कोहरा है। और फरवरी को ऐसा मत समझे कि कोहरा नहीं होगा, है भैया है। 2 फरवरी का दिन है और कोहरा अच्छे खासा है। तो यहाँ पे हम रुके थोड़े से खाने पीने के रिफ्रेशमेंट के लिए। अब चलेंगे खाटू श्याम जी के लिए और वहीं पे दिखाते हैं आपको पार्किंग में पहुँच के धर्मशाला कैसी है। बस
4:38 का और अभी सुबह के समय हम पहुंच चुके हैं अपने खाटू श्याम जी के पास, अपने धर्मशाला के पास, और अब चलेंगे और सही समय पे आ चुके हैं इस समय। और ये है हमारी बस और पार्किंग बगल में ही है, पार्किंग के बगल में ही हमारी धर्मशाला है। तो अब चलेंगे धर्मशाला, आपको दिखाएंगे और बताते हैं कि भैया एंट्री के नाम पे स्कैम चल रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, उसके बारे में एक वीडियो बनाई मैंने। अगर आपको भी यात्रा करनी है, खाटू श्याम जी की, तो आप कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, इन नंबर पे कॉल करके अपने टिकट बुक करा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। हर महीने बस चलती है खाटू श्याम जी के लिए गाजियाबाद से, दुहाई शिव मंदिर गाजियाबाद से। तो इन नंबर पर कॉल करके अपनी टिकट बुक कराएं। और ये भाई हैं सोनू भाई, कैसी रही यात्रा आपकी? बढ़िया, फैंटास्टिक, थैंक यू भाई। तो अब चलेंगे अभी अंदर और आपको दिखा दें कि इसमें ट्राई कलर की LED लाइट लगा रखी है इस समय। और ये हमारी धर्मशाला है, अन्नपूर्णा धर्मशाला। अब चलेंगे अंदर, दिखाते हैं धर्मशाला का नज़ारा अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। देखेंगे हम किस तरह से रुकते हैं यहाँ पे। हाँ आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल। ये धर्मशाला है, इधर नहाने की व्यवस्था, इधर खाने की व्यवस्था है, यहाँ पे ही हमारा खाना बनेगा और जहाँ पे आराम से बैठ के खा सकते हैं। अब चलेंगे अंदर। ये है हॉल, यहाँ पे आराम से लेटे रहाई वगैरह मिल जाएगी यहाँ पे। वैसे माहौल अच्छा है, ठंडक नहीं आता भाई, आराम से लेटो भाई, कोई दिक्कत नहीं, पूरा हॉल ही अपना है। चलो वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम जाएंगे खाटू श्याम जी के लिए दर्शन करने के लिए। और सोनू भाई ठीक, जय श्री श्याम।